पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। 3 जोड़ रहे हैं जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल एक हिस्टोरिक बिल आज लोकसभा पास झालेलं आसा। 454 वोट्स ताज्या फेवरान पडली आणि 2 वोट म्हणतात ती ताज्या अगेन्स्ट पडली आसा। हे आता बिल राज्यसभेक धाडपाक येतले आणि तो ते पास जातकीत एक कायदो होतलो। ह्या बिलानुसार 33% जी रिजर्वेशन आहा इलेक्शना खातीर लोकसभा आणि जे स्टेट असेंब्ली इलेक्शन जातली तातूंत 33% कोटा जो आता रिजर्व आसलो तो बायलां खातीर आसलो, ज्या जाग्यार बायलां कॉन्टेस्ट करूं शकतली। हा 454 बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ।